हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ झाइयों की क्रीम के बारे में। ऑलरेडी मैंने इस पे दो तीन वीडियो बना रखी है, लेकिन आप लोग के इतने सारे सवाल हैं, मैं सबके सवाल का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। कुछ लोगों का किया था, कुछ का नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ जिससे सबको एक साथ जवाब मिल जाएगा इस क्रीम के बारे में। तो कौन सी है वो क्रीम जिसकी मैं बात करने वाली हूँ? ये है वो सत्यम आयुर्वेदिक क्रीम। ये उनकी पुरानी वाली क्रीम है और ये है न्यू वाली क्रीम। तो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये वाली क्रीम मैंने यूज कर लिया, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस क्रीम का भी वही है। तो ये वाली क्रीम गिर गई थी मेरे से, टूट गया था इसका, ये देख रहे हैं ना आप लोग, टूटा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको लगाना बंद कर दिया। इसमें भी बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये वाली क्रीम तो मैं अब कभी भी नहीं यूज करने वाली, क्योंकि ये टूटा है, इसमें कांच वाच चला गया था। तो अब मैं इसको फेंक दूंगी। और तो आज मैं इसी क्रीम के बारे में बताऊंगी कि क्या है इसकी सच्चाई। तो ये वाला क्रीम मैंने जब मंगाया था, मैं यूज़ करती थी, तो ख़त्म हो गई, तो मुझे लगा कि फिर से मंगानी चाहिए। तो मैंने बोला जब मंगा ही रहे हैं तो न्यू वाली क्रीम मंगाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये क्रीम है सत्यम आयुर्वेदिक क्रीम, आप लोग देखिए, सत्यम स्किन नेचुरल क्रीम के नाम से आती है ये क्रीम। और इसका प्राइस है 1300 रुपये। हाँ, 1300 रुपये। ये क्रीम महंगा तो है, 1300 रुपये का है, और क्रीम के अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप लोग देखोगे ना जब इस क्रीम का रिव्यू जो सत्यम वाले चैनल पे आप लोग देखोगे, इतने सारे लोगों ने बोला ना मेरा ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया। उन्हीं लोग का कमेंट देख के मैं ये क्रीम ऑर्डर की थी, और इस क्रीम को मैंने लगाया भी, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया है, बहुत थोड़ा सा ही बचा, आप लोगों ने देख ही लिया। तो कुछ लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि इस क्रीम का नाम क्या है, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन जो है मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। तो इसका नाम है सत्यम क्रीम, सत्यम स्किन नेचुरल क्रीम, सत्यम के नाम से है ये क्रीम, ठीक है। पहले सवाल का आप लोग को जवाब मिल गया, इस क्रीम का नाम है सत्यम क्रीम। तो और दूसरा सवाल है कि ये कितने रुपए की आती है, तो ये आती है 1300 रुपये की, 1300 रुपये की ये क्रीम है। और आप लोग जानना चाहते हो कि ना कि ये फेस पे लगाने के बाद रेडनेस होता है, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, क्या सच्चाई है? तो मेरे फेस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना अभी भी आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे एक भी पिंपल्स नहीं है, और ना ही कहीं पे रेडनेस है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत लोग के साथ होती होगी। बहुत लोगों का कमेंट आया कि उनके फेस पे रेडनेस है, पिंपल्स हो जाती हैं। तो सबकी स्किन एक टाइप की नहीं होती है, तो इसलिए हो सकता है आपको सूट ना किया हो, ना करे। तो मेरे फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इस क्रीम को यूज करने से, और मेरी झाइयाँ काफ़ी हद तक लाइट भी हो गई थी, पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, और मैंने इसको लगाना बीच में ही बंद कर दिया। आपको मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना, अगर आप लोग को देखना होगा, जानना होगा। उसमें सत्यम किस चैनल के जो सर हैं, उन्होंने खुद कमेंट किया है कि इस क्रीम को तब तक लगाना है जब तक आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाती, और क्लीन होने के एक महीने बाद तक भी लगाना है। तो मैंने इस रूल को फॉलो नहीं किया, हो सकता है इसलिए फिर से वापस आ गई मेरी झाइयाँ। तो अभी मैं उसको नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं एक सनस्क्रीन लगाती हूँ, तो उसी से ठीक है।
और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा अब है नहीं। और हाँ, बहुत लोगों ने बोला कि इस क्रीम को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस पे कुछ मेंशन नहीं है ये इसमें क्या मिक्स है क्या नहीं है। तो अब मैं तो ये बोल नहीं सकती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। वो तो बोलते हैं कि ये आयुर्वेदिक क्रीम है इसलिए इस पे कुछ भी नहीं है, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लगाने से पहले या फिर ऑर्डर जब करेंगे तो उनसे बात कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने इस क्रीम को लगाना बंद कर दिया है, मेरी झाइयाँ इस क्रीम से ठीक नहीं हुई थी और ना ही मैं इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाई थी। ये दो क्रीम है, दो डिब्बी मैंने मंगाया था तो समझ लीजिए 4 महीने तक मैंने इसको यूज़ किया था, 2 महीने ये 2 महीने ये, 4 महीने के आसपास मैंने यूज़ किया था। तो मेरी झाइयाँ तो ठीक नहीं हुई थी, मुझे लगा था कि एक में ही ठीक हो जाएगी वहाँ पर देखने के बाद, लोगों का सुनने के बाद। तो मैंने सोच लिया था कि ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। मैं इतना खुश हो रही थी ना ये क्रीम जब आया तो मैं इतना खुश हुई थी कि क्योंकि झाइयाँ एक बार आ जाती ना फिर वो जाती नहीं है, बहुत लोग का मैंने देखा है चली गई हैं लेकिन पता नहीं कैसे चली गई यार, मेरी तो जा ही नहीं रही है। लाइट हो जाती हैं फिर डार्क हो जाएंगी, लाइट हो जाएंगी डार्क हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जा रही हैं। तो अगर आप लोग की झाइयाँ इस क्रीम से या फिर किस चीज़ से गई हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे खुद भी लगाना है यूज करना है वो देखना है। तो मैंने तो इस क्रीम को यूज कर लिया और भी बहुत सारी क्रीम को यूज कर लिया, पूरी तरीके से अभी भी नहीं गई है मेरी झाइयाँ। तो यार फेस पे दाग धब्बे होते हैं अच्छे नहीं लगते, अभी देखो एकदम लाइट हुए हैं ना मेरे फेस पे, लग नहीं रहा है कि कुछ भी है, तो अभी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस क्रीम को लगा के ठीक हो गया है क्योंकि जो सच्चाई मैं वही बता रही हूँ, ये सत्यम क्रीम वाले या फिर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं कि मैं उनके क्रीम के बारे में ऐसा बोलूँ, तो जो सच है मैं वही बता रही हूँ। मैंने इस क्रीम को यूज किया था, इस क्रीम ने लाइट कर दिया था पर ठीक नहीं हुआ था। और आप लोग बताना कि किसके फेस पे झाइयाँ हैं और क्या लगाने से ठीक हुई या नहीं हुई। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली लगा ली पर पता नहीं कब पूरी तरीके से ठीक होंगी। बस इस क्रीम की सच्चाई यही है कि अगर आप, ये सत्यम वाले बोलते हैं कि अगर आप इसको लगातार लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, आई थिंक आपको तब तक लगाना है जब तक आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। और आपकी झाइयाँ कब ठीक होंगी ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी पुरानी है, अगर वो ज़्यादा पुरानी है तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगी, अगर अभी जल्दी में हुआ है तो वो झाइयाँ आपकी ठीक हो जाएंगी, ये उनका कहना है। पर मैं ये बोल नहीं सकती हूँ कि ये सही है कि नहीं है क्योंकि मैंने पूरा यूज ही नहीं किया है, तो मैं क्या बोलूँ इस क्रीम के बारे में। दो लगा चुकी मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हुई है, बस यही है इसकी सच्चाई। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा कि इस क्रीम को यूज करना है कि नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इस क्रीम से उनकी झाइयाँ नहीं गई, मेरी वीडियो पे तो यही कमेंट आया, किसी ने भी नहीं बोला कि ठीक हो गई हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ कि लोग बोल रहे हैं हाँ मेरा ठीक हो गया तो चलो एक और ट्राई कर लेती हूँ एक और मंगा लेती हूँ शायद मेरा भी ठीक हो जाए। पर जब मैं लगा रही थी स्टार्टिंग में इतने अच्छे से लाइट हो गया था, जो लोग देख रहे थे वो पूछ रहे थे आपने अब फेस पे क्या लगाया, एक अलग सी शाइनिंग आ गई थी, पता नहीं क्या मिक्स है इसमें। अभी 2 दिन पहले ही कमेंट आया था वीडियो पे कि इसमें ब्लीच होता है, इसको लगा के स्किन आपका जहाँ पे ब्लैक है दाग धब्बे हैं वो क्लीन तो हो जाएंगे लेकिन वो आपके फेस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस पे कुछ जब मेंशन ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है तो क्या बोलें, कैसे लगाएं कैसे यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही थी इस क्रीम की जानकारी, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। और बाय गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग के अगर कुछ
कोई भी सवाल रह गए हों तो आप लोग कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश करूँगी कि सबका रिप्लाई कर पाऊँ, आप लोग के सवालों के जवाब दे पाऊँ। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं जो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ वो कौन सा है, तो मैं वो भी आप लोग को बताऊँगी। मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है इसके ऊपर, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो की सारी जानकारी आई थिंक मैं आप लोग को दे पाई होंगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।